शिरूर लोकसभा क्षेत्र हड़पसर में शाहिद हाफिज फारूक शेख इनके प्रचार के दौरान दलित मुस्लिम मराठा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज फारूक शेख इन्होंने कॉर्नर मीटिंग में मार्गदर्शन किया। उम्मीदवार खड़ा है शाहिद हाफिज फारूक शेख, शाहिद हाफिज फारूक शेख। इनकी निशानी है बैट का चिन्ह, बैट क्रिकेट का बैट, क्रिकेट का बैट ये निशानी है 20 नंबर के ऊपर। इसको भरपूर मदों से बटन दबा के ओट दे के भरपूर मदों से चुनके लाइए। कृपया करके हमारी बातों को सुनने के लिए तमाम कौम, तमाम दोस्त अहबाब, हमारे पूरे फैमिली के रिश्तेदार तमाम लोगों को गुजारिश की जाती है खाली 10-15 मिनट के लिए वक्त निकाले और सामने आ जाए। अरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अपक्ष के अंदर दलित मुस्लिम क्रिश्चियन पर परांठे के अंदर हमारे हाफिज फारूक शेख, उनके फर्जंद शाहिद शेख, शाहिद हाफिज फारूक शेख, इनको अपक्ष में खड़े किए हुए हैं। और हम सीढ़ी चढ़ते शुरू से आखिर तक, और इंशाल्लाह आप लोग के दुआ अगर रहेंगे तो हम वो सीढ़ी भी पार कर लेंगे। जबकि हमारे सामने और भी बड़े लोग भी हैं, लेकिन अल्लाह का करम है क्या ये छोटे से बच्चे, ये अल्लाह ने इतनी हिम्मत दिया कि हम सबको आने लो, सबको हम क्लीन चीट दे देंगे इंशाल्लाह। अगर आप सब लोगों की दुआ अगर है तो हम ज़रूर इंशाल्लाह क्लीन चीट देंगे, लेकिन उसमें है कि आपकी दुआ ज़रूरी है और आपका एक एक वोट कीमती है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे मौतदा वाला गुजारिश करते हैं, हमारे माँ बहनों से गुजारिश करते हैं कि ये अपना घर का बच्चा है, ये आपके घर का होने वाला खासदार है, ये आने वाला कल का चिराग है, ये आने वाला कल का चांद सूरज है। और आपसे गुजारिश है कि बहुमत से चुनकर खुशी दिलाए, और हो सके जितने भी अपने दोस्त रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, जितने भी अपने पड़ोसी हाल है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग देकर खुशी हासिल करें। मैं इतना कहते हैं, बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देश के खातिर एकता और अखंडता, इस विषय पे हम 42 साल से काम कर रहे हैं और 42 साल से हम सोशल वर्क कर रहे हैं, और 42 साल के अंदर हमने लगभग दलित मुस्लिम सिख ईसाई पर प्रांतीय मराठा महासंघ का अनेक लोगों का हमने काम किया है, और बिना स्वार्थ के काम किया है, बिना लालच के हमने काम किया है। सभी लोगों ने, अभी हमने सभी लोगों को पाटिंबा दे के देख लिया, हमने कांग्रेस को पाटिंबा दे के देख लिया, हमने एनसीपी को पाटिंबा दे के देख लिया, हमने बीजेपी को पाटिंबा दे के देख लिया, हमने शिवसेना को पाटिंबा दे के हमने देख लिया। लेकिन आज के दौर में मुस्लिम समाज कम से कम महाराष्ट्र में 2.25 करोड़ होने के बावजूद भी एक भी टिकट मुसलमानों को दिया नहीं गया। मुसलमानों का वोट सबको प्यारा है, लेकिन मुसलमानों का उम्मीदवार प्यारा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों से आज नफरत की जा रही है। ये नरेंद्र मोदी एक नंबर का कमीना आदमी है। ये नरेंद्र मोदी जो है पूरी तरीके से पूरे देश को डुबाने का प्रयत्न कर रहा है, देश बांटने का प्रयत्न कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो है, जिसने वादा किया था हर एक के खाते में 15 लाख रुपया आएंगे, लेकिन 15 लाख रुपया तो छोड़ो, जो माँ बहनों ने 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया, 1000-2000 रुपया, 5000 रुपया अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए रखा था, अपने बच्चों को शादियों के लिए रखा था, उसने वो भी बैंक में भरवा लिया, उसने वो भी दिन दहाड़े लूट करके पूरे देश को पूरा बर्बाद कर दिया, नोटबंदी करके पूरा बर्बाद कर दिया, लोगों हजारों लोगों को लाइन में खड़ा करके, उनको लाइन में लगा के पूरी तरीके से पूरा पैसा छीन लिया।
है।